हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपके लिए पूरी एक्सरसाइज यहां पर करा दी गई है, जो कि आपके द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहा था। तो द्विघात समीकरण यहां पर देखिए, हमने आपका पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। आप यूट्यूब पर हर वीडियो हमारी देख सकते हो, जिसमें आपके लिए द्विघात समीकरण खत्म कर दी गई है लास्ट एक्सरसाइज तक। अब हम आपके लिए नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है, देखिए बहुत बेहतरीन चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अगर हम बात करें वास्तविक संख्याओं की, तो थोड़ा हम संक्षेप में बताना चाहेंगे आपके लिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं वो सभी संख्याएं होती है, मैं आपके लिए बताता हूं। वास्तविक संख्याओं की अगर बात की जाए बेटा, वास्तविक संख्याएं, अगर वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं वास्तविक संख्याओं में, केवल एक नंबर को छोड़कर। आपको मैं बता दूं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर हम एक्सेप्ट माने सिवाय अगर एक नंबर को छोड़ दें, वो होता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर मैं बता दूं आपके लिए कि सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको छोड़ करके सभी संख्या रियल नंबर्स होती हैं, सम्मिश्र संख्या को छोड़कर, ठीक है। सम्मिश्र संख्या को आप अगर इसको छोड़ देंगे तो ये सभी संख्याएं कौन कौन सी, जैसे आपके लिए इंटीजर्स हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गई, या आपके लिए यहां पर पूर्णांक हो गए, पूर्णांक भी हो सकते हैं सभी, और नंबर तीन यहां पर जो है भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, भाज्य संख्याएं, और यहां पर चौथा हो सकता है आपके अभाज्य संख्याएं। यानी वो सभी संख्याएं जो है क्या होंगी आपके लिए, सिंपली आपके लिए ये होंगी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होंगी। ये सभी संख्याएं जो आप पढ़ते आ रहे हो आज तक, वो सभी संख्या वास्तविक संख्याएं, बस एक को छोड़कर सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को छोड़कर बाकी सभी आपके लिए जो है कहीं ना कहीं वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक बना दिया गया। देखिए टॉपिक है हमारा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो एक्सरसाइज 1.1 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नियम बताते हैं जो कि यूज होगा, तब हम एक सवाल कराएंगे आपके लिए। तो यहां पर नाम है यूक्लिड डिवीजन लम्मा मेथड, यूक्लिड डिवीजन लम्मा मेथड, इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लम्मा मेथड। ये आपके लिए पढ़ाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, यूक्लिड डिवीजन लम्मा मेथड क्या होता है, कैसे समझेंगे, 2 मिनट में समझेंगे, जरा आ जाइए इधर देखिए। देखिए अगर हम आपके लिए नॉर्मली बताएं, आपने बहुत सारी डिवाइड की होंगी, तो मैं डिवाइड करके एक बता रहा हूं, मैंने 2 से 7 को डिवाइड कर रहा हूं। देखो तो आप कहोगे कि ये तो बहुत छोटी डिवाइड है, मैं तो कर लूंगा, ठीक बात है, सही बात है, तुम कर लोगे, लेकिन आप देखो इससे बनेगा क्या, इससे एक सूत्र बनेगा, इससे एक नियम बनेगा इक्वली डिविजन लम्मा मेथड का। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 2 3 6, और 7 में से 6 के आपके लिए आ गया, 1 आ गया ना, तो आपको इस क्या लिखोगे, इसको इसको बोलते हैं यहां पर भाजक, इसको बोलते हैं यहां पर, ये हो गया आपके लिए, ठीक है, और ये भाज्य, ये भागफल, और ये शेषफल, ठीक है। तो यहां पर भाज्य बराबर होता है, आप ये जानते हो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है। अगर इस हिसाब से मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 7 = 2 × 3 और प्लस 1, ये यही तो लिख सकता हूं। अच्छा, ये जो आ गया, इसी को कहते हैं हम इक्वल डिवीजन लम्मा मेथड। कैसे यूज करेंगे इसका, तो हम कोई भी स्टेप, कोई भी भाग का जो स्टेप है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये इस तरीके से लिखा जा सकता है तो हम आपके लिए बताने वाले हैं यूक्लिड का डिवीजन लम्मा मेथड, जो कि केवल यूज होता है एचसीएफ निकालने के लिए। किसके निकालने के लिए, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे मासा भी कहा जाता है, मासा यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम इस यूक्लिड डिवीजन लम्मा मेथड का यूज करेंगे, और वो कैसे करेंगे हम आपके लिए बताते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लम्मा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार इससे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन लम्मा मेथड हमने शुरू कर दिया। मैं आपसे कहूं कि पहला प्रश्न इसमें है अति लघु का, पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना, यहां पर आपके लिए क्या है कि एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एच सी एफ, ध्यान से सुनना, एच सी एफ, एचसीएफ अगर आपके लिए निकालना है, और ये सवाल पहला है इस बुक में, जो कि ये नई बुक है,
अगर मैं आपके लिए बताऊं कि एक सिंपल सवाल करवा देता हूं पहले यहां पर, क्या सवाल है देखिए ध्यान से। तो सिंपल सवाल मैं आपके लिए करवाऊं जो कि आपके लिए समझ में आ जाए, तो मैं 306 और 657 यहां पर, चलो पहले ही सवाल करा देता हूं यहां पर, जो पहला सवाल है वही करा देता हूं। हालांकि आप स्टेप नंबर इसको यूज करेंगे, ये जो लिखा है इसको एससीएफ निकालने के लिए इक्वली डिवीजन लंबा मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हम यहां पर बता दे रहे हैं, आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है एससीएफ, किसका एससीएफ 306 और 657 का एससीएफ दिया गया 9, कितना दिया गया 9, यानी इनका एससीएफ निकाला गया 9। अब ये 9 कैसे आया होगा, तो मैं इक्वली डिवीजन लंबा मेथड इसमें लगा के आपको दिखाता हूं कि ये जो 9 आया वो कैसे आया। देखिए यहां पर हम 306 छोटी संख्या है तो मैं इसको भाग करूंगा 306 से, देखना इक्वली डिवीजन लंबा मेथड कैसे काम करता है। ये लिख दिया मैंने, अब यह 306 से भाग करूंगा 657 को, आप बताइए कितनी बार में जा सकता है। तो 306 को आप 2 से गुणा करके देख लो, 2 × 12 का 2 हासिल लगा एक 2001 और 2 × 3 = 612 आ गया। और आप 306 को 3 से गुणा करके देख लो, 3 × 4 = 18 का 8 हासिल लगा 1 और 3001 आ गया, 3 × 3 = 918 ज्यादा हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर 2 डाल सकते हैं, कितना 2 नंबर डाल सकते हैं, तो मैंने 2 डाल दिया, 2 × 12 का 2 हासिल लगा 1, 2001 और 2 × 3 = 6। अब घटा लो, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 6 गया 0, 45 बचा। अगर ये 45 बचा है तो सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, 45 बच गया, अब इसके बाद कोई नंबर है नहीं, 45 नंबर कम पड़ गया, तो इसका स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप नंबर वन कैसे लिखोगे भैया, तो भाज्य यानी 657 इक्वल टू 306 गुणे 2 और प्लस का 45, ये आ गया। अब अगली बार में क्या करेंगे, 45 से भाग करेंगे किसको, 306 को, इस तरीके से। तो आप इसको करिए, 45 से गुणा करिए, कितनी बार में जाएगा ये 5 से करके देख लेते हैं, 25 का 5, 2 × 5 = 20, 2 × 22, 225 कम पड़ रहा है, इसका मतलब 6 से करके 7 से करके देख लो, 7 × 5 = 35 का 5 ऐसे लगा 3, 7 × 4 = 28 और 3 यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 31, 315 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब आप 6 डाल सकते हैं, तो मैंने 6 रख दिया, 6 × 5 = 30 का 0 हासिल लगा यहाँ पर 3 और 6 × 24, 24 और 3 आपके लिए हो जाएगा 27, ठीक है, कर लिया। और अब यहाँ पर आपके लिए करेंगे, घटा लेंगे 6 और 10 में से 7 गया 3, 36 बचा, 36 बचा, 36 कम है 45 से, अब और बाकी कोई नंबर भी नहीं है, तो स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप नंबर टू लिख लेंगे। तो स्टेप नंबर टू में आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, लिख सकते हैं 306 बराबर 45 गुणा 6 प्लस 36, ये लिख सकते हैं। आप स्टेप नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, 36 से भाग करेंगे किसको, 45 को, तो 36 से भैया 45 को भाग करेंगे, तो 36 से 45 को अगर मैं भाग करूंगा तो 36 से दो बार में करूंगा ज्यादा हो जाएगा, 36 × 36 कर दो, 5 में से 6 गए यहाँ पर आपके लिए, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पर 9 ही बचा आपके लिए, खाली 9 बचा ना, सिंपली आपके लिए 9 बचा। अब आप देखिए 9 बचा तो स्टेप यहाँ पर भी लिख लीजिए, 45 बराबर हो जाएगा 36 × 1 + 9, यही तो हो जाएगा। अब हम 9 से भाग करेंगे किसको, 9 से भाग करेंगे 36 को, तो 36 को कर लो, 9 × 36 यानी इसका मतलब 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो लास्ट में कितना कटा, 9 से कटा, 9 से कटा लास्ट में, इसका मतलब इसका स्टेप लिखोगे तो 36 बराबर 9 × 4 + 0 यानी इसका मतलब लास्ट में जो डिवीजर बचा है, ये जो भाजक बचा है यहां पर, ये जो भाजक बचा है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका एससीएफ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9। ये तो मैंने आपके लिए इक्वली डिवीजन लंबा मेथड से यूज करके आपको बता दिया कि ये भाई साहब इक्वली डिवीजन लंबा मेथड से 9 आया एससीएफ, बात समझ गए, 9 आया। लेकिन प्रश्न हमारा कुछ और था, उस प्रश्न को करते हैं कंप्लीट प्रश्न करेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमने आपके लिए बताया कि एससीएफ इसका 9 आएगा और क्यों आएगा, मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब बात करते हैं वहीं से, हमारे पास एससीएफ दिया गया था भाई किसका, 306 और 657 का, जो एलसीएम दिया गया, एससीएफ दिया गया वो 9 दिया गया, और कह रहे हैं कि इसका एलसीएम निकालो, 306 और 657 का इसका एलसीएम आपसे निकलवा रहे हैं। तो सिंपली एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मासा यानी जो एससीएफ होता है, मासा गुणे लासा बराबर में यहाँ पर पहला व्यंजक यानी पहला नंबर या पहली संख्या
पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ये लगा देंगे। तो ये तो बहुत ईजी है, 6-7-8 क्लास में भी पढ़ा जाता है, यहाँ पर भी आपके लिए। तो आप बताइए मासा का इतना है 9, लासा पता नहीं है, हमें लासा ऐसे ही लिख लेते हैं, और बराबर में पहली संख्या है 306 और गुणे दूसरी संख्या है आपके लिए 657। तो हम लासा निकालेंगे, लासा बराबर हो जाएगा हमारे लिए 306 गुणे 657 और बटे में 9। 9 से भाग कर देंगे, 9 दिया 27, बता कितना यहाँ पर 3, 36, 9 चौको 36, तो हमारे लिए लासा आ जाएगा 34 गुणा 657। अब गुणा कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, 657 गुणा 34, यहाँ पर 4 7 28 का 8 हासिल लगा दो, और 4 5 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा दो, 4 6 24 25 26 गुणा 3 7 21 का 1 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 4 18 1 19, 8 3 13 3 9 2 11 12 2 और 1 का 1 1 2, 22 338। यानी इसका लासा या कह सकते हैं LCM कितना आ गया आपके लिए 22338, ये आपका आ गया। अब देखिए पहला प्रश्न हमने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिया है, अब इसका दूसरा प्रश्न है वो आपके लिए बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसकी व्याख्या करके बतानी है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न है, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न है। क्या है दूसरा प्रश्न, हम आपको पढ़ के बताते हैं। प्रश्न लिखा है, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 × 5 17 × 5 × 11 × 3 × 2 और प्लस 2 × 11 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ऐसा क्यों है? क्या यह बता सकते हो कि 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 ये जो है आपके लिए भाज्य संख्या है, यानी डिविजिबल होगी, है ना? भाज्य संख्या का मतलब यहां पर यह है कि आपके लिए ये कंपोजिट नंबर होना चाहिए, इसे को कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है भाज्य संख्या का, देखिए मतलब यह है कि अगर आपके लिए 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, यानी जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, तो 2 से ज्यादा जब गुणनखंड होंगे वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी। और अभाज्य संख्या वो होती है प्राइम नंबर, उसके लिए कहते हैं जिसका एक फैक्टर और खुद का फैक्टर वो संख्या होती है। आपके लिए ये बताना है कि ये भाज्य संख्या, तो सिंपली आप कैसे बता सकते हो, मैं बताता हूँ आपके लिए सॉल्व करके। देखिए सबसे पहले 17 की गुणा यहाँ पर 5 से करिए, ठीक है, तो 5 7 35 का यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 3 5 1 5 3 8 85 हो गया, और गुणे में 11 3 33 हो गया, और गुणे 2 और प्लस 2 × 11 हो जाएगा आपके लिए 22। अब आप यहाँ पर गुणा कराइए इसकी, 85 की गुणा 33 से बाद में कराएंगे, पहले इसकी 2 से करा, 2 3 6 और 2 3 6 66 हो गया, और प्लस का 22 हो गया। अब इसकी गुणा करा लेते हैं 85 की गुणा 66 से, तो 6 5 30 का यहाँ पर 0 3 हो जाएगा, और 8 6 48 49 50 51 या 510, ठीक है। 6 से कराएंगे फिर से, तो 0 1 5 0 1 6 5 56 10, यानी 56 10 आ गया, और प्लस का 22। अब आप जोड़ दो 56 10 + 22, तो देखिए 2 3 6 और 5, ये 5632 आ गई है, और ये संख्या कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसको आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो भाई, 2 से 2 2 4 2 8 16, 2 1 2 2 6 12, फिर से 2 से 2 1 2 2 6 8 0 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगी 2 7 14 0 2 6 8, फिर 2 से कट जाएगी 2 3 6 2 5 10 2 2 4, फिर 2 से कट जाएगी 2 1 2 2 7 14 और 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगी 2 8 16 और यहाँ पर 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगी 2 6 8 2 6 8, यहाँ पर 2 से 22 बार में, फिर 2 से 11 बार में, इस तरीके से यह संख्या कटती चली जाएगी। आप देख रहे हैं इसके कई सारे फैक्टर आते जा रहे हैं, इसका मतलब अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो वो संख्या क्या कहलाएगी आपके लिए? भाज्य संख्या कहलाएगी, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लिए, पहले 17 था फिर 5 था, और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइम नंबर है 5, 17 भी प्राइम नंबर है तो आपके लिए इवन नंबर आएगा, और 11 और 3 का यहाँ पर 11 और 3 भी है तो ये भी इवन नंबर आएगा, और फिर ये तो नॉर्मली 11 2 22 है तब भी इवन ही नंबर आएगा, यानी सब इवन नंबर बन जाएंगे, ओड से इवन नंबर यहाँ पर बन जाएंगे और सबके सब डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपके लिए 2 प्रश्न बताए, और ये भी बताया कि यूक्लिड डिवीजन लंबा मेथड कैसे कार्य करता है, किस तरीके से चलेगा। तो इसके बाकी जो प्रश्न होंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
जो भी प्रश्न करा रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरू हुआ है इक्वली डिवीजन लंबा मेथड, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको करा रहे हैं। और नॉर्मली आप डेली वीडियो देखते रहेंगे तो आपके लिए इतनी बेहतरीन मैथ हो जाएगी, तो कहेंगे कि क्या बात है कि इतनी बढ़िया मैथ आपको यूट्यूब पर मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।